প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখত আজিকালি পরমাত্মার কথা কিয়? বিহারের এখন নির্বাচনী সভাত এই প্রশ্নটির উত্তর দিলে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীয়ে। রাহুল গান্ধীর মতে ইডির ভয়ত এতিয়া পরমাত্মার কথা কয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে। ये जो आप डिसीजन लेते हो, ये बड़े बड़े निर्णय लेते हो, ये आप कैसे लेते हो? तो नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, पहले सोचते हैं थोड़ी देर, ऐसे सोचते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, और फिर कहते हैं ये जो निर्णय होते हैं इनको मैं नहीं लेता, ये परमात्मा लेता है, मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली? क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। এক জুনত দেশৰ 57টা লোকসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে বিহাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী সভা। পাটনাৰ বখতিয়াৰপুৰত আয়োজিত এই নিৰ্বাচনী সভাত উপস্থিত থাকে আৰজেডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱ। এই নিৰ্বাচনী সভাতে ৰাহুল গান্ধীয়ে দিলে গেৰাণ্টি, ক'লে এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰাজয় নিশ্চিত, সেইবাবেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মুখত এতিয়া পৰমাত্মাৰ কথা ওলাবলৈ ধৰিছে। नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। नरेंद्र मोदी ने 22 अरब पतियों का कर्जा माफ किया है, तो अब हमें भी कुछ करना होगा। उन्होंने अरबपति बनाए है ना, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। এইবাৰ বিৰোধী মৰ্চা ইণ্ডিয়াৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাটো নিশ্চিত বুলি কৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে এই বুলিও কয় যে বিজেপি পুনৰ শাসনলৈ আহিলে সংবিধান সলনি কৰিব। কিন্তু ইণ্ডিয়া মৰ্চাই বিজেপিক সংবিধান সলনি কৰিবলৈ নিদিয়ে। বিজেপি কে নেতাওনে কহা হে কি হম ইস সংবিধান কো ফাড় কে ফেক দেঙ্গে। অর মে নরেন্দ্র মোদী অর উনকে চমচোঁ কো কহনা চাহতা হুঁ कि दुनिया में कोई शक्ति इस संविधान को छू तक नहीं सकती है, और अगर आपने कोशिश की तो आपके सामने तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और बाकी इंडिया गठबंधन खड़ा मिलेगा, इसको हम कभी बदलने नहीं देंगे। बिहार और निर्वाचनी सभाते इंडिया मोर्चा शासन आहिले प्रथमे की काम करिबो तारु खटियान दांगी धरिले राहुल गांधी। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है, और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़कर ऐसे फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। नेशनल डेस्क, प्रतिदिन टाइम।